नमस्कार दोस्तों, AEES यानी कि एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी ने 205 टीचरों के पद के लिए वैकेंसी या आवेदन जो है जारी किया है। पूरा फॉर्म ऑनलाइन है, एक एक चीज बताऊंगा क्या क्या भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, CTET कहाँ काम आएगी, कहाँ नहीं आएगी, एवरीथिंग अबाउट दिस जॉब, अबाउट दिस वैकेंसी आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके गाइज, टोटल पोस्ट 205 है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि इसमें से पीजीटी की पोस्ट टोटल 15 है, टीजीटी की टोटल पोस्ट जो है वो 101 है। अगर आप लाइब्रेरियन के लिए सोच रहे थे तो इसमें टोटल 8 पोस्ट है। प्राइमरी टीचर पीआरटी इसमें लगभग 70 पोस्ट है, ठीक है। और अगर पीआरटी म्यूजिक की बात करें कि भाई म्यूजिक के टीचर के लिए कितना है, तो इसके लिए आपके करीब करीब 5 पोस्ट है। अगर आप प्रेपरेटरी इसकी पोस्ट जो है वो 6 है। तो इस हिसाब से दोस्तों टोटल 205 पोस्ट की यहां पर वैकेंसी है जिसे आप भर सकते हैं, ठीक है। वही है सारा कुछ। अब आपको मालूम है पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगा, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट ट्रेनी होते हैं, है ना, और डीएड एलएड बीएड इन सबसे काम भी बहुत बन जाता है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी है ये करीब करीब 30 स्कूल और जूनियर कॉलेजेस को रन करता है। और इससे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो चीज है ये ऑटोनोमस बॉडी है, यानी एक तरह से सरकारी नौकरी ही है जो कि सॉरी एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं इसके द्वारा दी जाती है। क्लियर होगी बात, है ना। दीज स्कूल्स इज इंग्लिश, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इसमें इंग्लिश में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये देखना है कि लोकेशन ऑफ सेंटर कहाँ कहाँ सेंटर है। तो देखो यहां पर 15 सेंटर्स है, है ना। ये जो 30 स्कूल हैं ये 15 सेंटर्स पर हैं इंडिया के, और इन्हीं सेंटर्स के बारे में यहां पर इनके पहले पेज में दिया हुआ है, ठीक है। खैर इसमें हम बाद में जाएंगे, पहले मैं आपको कुछ खास चीजें बता दूं कि जैसे इसकी जो फीस है जो कि अगेन जो सिर्फ जनरल वालों को देनी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को देनी है, ओबीसी वालों को देनी है, वो है 750 रुपए। किस किस को नहीं देनी है भैया, तो ये नहीं देनी है फीमेल्स को, ठीक है, इनको नहीं देनी है, नहीं देनी है एससी को, नहीं देनी है एसटी को, और नहीं देनी है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखिए, एससी एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, चाहे ओबीसी चाहे ईडब्ल्यूएस, और अगर आप चाहे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको एनओसी लानी पड़ेगी, समझ गए। सारे सर्टिफिकेट के आपको फोटोकॉपी स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। मैं पहले बता देता हूं, सारे के सारे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स उन सब की फोटोकॉपी आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। और आपको मैं बताऊंगा जब आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि दो ही चीजें दोस्तों इसमें, है ना, एक आपका होगा रिटन टेस्ट और फिर इसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, एक आपका रिटन टेस्ट है और एक आपका स्किल टेस्ट है। रिटन टेस्ट जो होगा वो आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये आपको ध्यान रहे, है ना। एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है, तो मैंने जो बताया आपको वो आप समझ गए होंगे कि और स्किल टेस्ट जो होगा दोस्तों इसमें क्या होगा, इसको आपको बुला करके कमेटी के सामने आपको डेमो देना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड और चौक लेकर के नहीं करते अपन जो, बिल्कुल वैसा का वैसा, है ना। तो ऐसे आपको इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, गो और नो गो पे बात होगी। गो और नो गो का मतलब ये कि अगर आपको उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आपका जो तरीका है, तो आपको गो दे देंगे और आपका फिर भैया सीधे मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, और अगर नो गो मिला तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए रिटन टेस्ट तो आपको निकालना पड़ेगा, और रिटन टेस्ट निकालने के लिए मैं पहले बताता हूँ सिलेबस, तो मैं अभी दे दूंगा आपको। देखिए जनरल नॉलेज ये है और आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। जनरल नॉलेज रहेगा, जीके इंग्लिश रहेगी ही, ठीक है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो और 2.5 घंटे का पेपर है, है ना, 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा, देखो जीके हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, और आपका एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है मैथ्स का, न्यूमेरिकल वाला, है ना, जो नॉर्मल छोटी छोटी मैथ्स आती है वो वाली, ठीक है, जीके इंग्लिश एप्टीट्यूड, और आपका करंट अफेयर रहेगा उसमें, है ना। और अभी मैं और डिटेल में बताऊंगा, आप चिंता मत करो। और आपका टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग मेथडोलॉजी, और साथ में आपका सब्जेक्ट, जिस पर जो भी सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं वो वाला सब्जेक्ट, उस पर आपका ये पूरा पेपर होगा, ठीक है। अब इसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, आप EWS में आते हैं या फिर आप आते हैं OBC में, ठीक है, तो इन सभी को कम से कम 60% नंबर लाने हैं,
क्लियर होगी बात। और सर जो एससी बचे, एसटी बचे और पीडब्ल्यू ये जितने ही बचे इनको लेकर के आने हैं 55%, तो बस हो गया। और इसके बाद आप रिटर्न निकाल लोगे और आपको सीधे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी मुझे, है ना। अब इसके बाद जो बचता है दोस्तों वो यही है कि सिलेबस और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। डॉक्यूमेंट्स भी देखो आपको आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या भरना है, ठीक है। और 750 की जो फीस है ये मैंने बता दी आपको। और देखिए इसकी जो डेट है दोस्तों, देखो मैंने कहा ना आपसे कि डिस्कशन विद मनोज में मैं हमेशा तुरंत वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ बहुत डिटेल में। तो आज ये फॉर्म खुला है, 23 तारीख है, 23 मई 2022 आज ये फॉर्म खुला है और ये 12 जून तक ये फॉर्म चलेगा। तो बस मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप इसे जल्दी से जल्दी भर देंगे। अब चलिए चलते हैं, थोड़ा सा आपके लिए मैं और बता दूँ आपको, ये यहाँ पर सेंटर से इतने तो परेशान नहीं होना है। और ये थोड़ा सा डिटेल में चार्ट है कि कहाँ कहाँ कितनी किसकी वैकेंसी, तो एक बार आप ये चार्ट देख लेना फिल करने से पहले, ठीक है। और बस अब चलते सीधे। अब देखो इनने एक चीज़ कही है यहाँ पर कि फॉर ऑल पोस्ट, खैर ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं नीचे बताऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों जो भी पीजीटी वाले हैं इनको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ये आपको पता हो गया होगा, 50% के साथ होनी चाहिए। अब क्या होता है कि आजकल सीजीपीए चल रहा है, तो आपको क्या करना है सीजीपीए को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, और आप नहीं करोगे आपका इंस्टीट्यूट करेगा, और जिस भी फॉर्मूले से इंस्टीट्यूट ने किया है उसका सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये आपको कुछ नहीं परेशान होना है, आपको सिंपल अपने कॉलेज में जाना है, अगर आपका सीजीपीए में है परसेंटेज तो उनसे बोलना है सीजीपीए में परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए सर, और एक बताइए किस फॉर्मूले के तहत या कैसे कर रहे हैं आप, और इस चीज़ को रिटर्न में दे दीजिए, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों, तो इसकी फोटोकॉपी भी रखनी है और वो भी रखनी है, ये आपको आपके कॉलेज वाले दे देंगे, तो परेशान मत होना, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों अब देखो या तो मास्टर डिग्री हो, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करो, देखो पीजीटी के लिए इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर आप मास्टर्स डिग्री है 50% के साथ तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया हुआ है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से 50% अगर है तो भी आप भर सकते हैं। और दूसरा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली हुई है और 50% के साथ है ना, तो भी आप भर सकते हैं, समझ गए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो 50% है तो भी आप भर सकते हैं, और लिखा है या फिर इसके अलावा है ना इट्स इक्विवेलेंट सीजीपी आपको कन्वर्ट करना होगा एंड बी ए ईडी और बी एस सी ईडी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पोस्ट ग्रेजुएट हो आप 50% के साथ, ठीक है, और साथ में एंड लिखा है ना, साथ में आपके पास बी ए ई एड होना चाहिए या फिर बी एस सी ई एड होना चाहिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आपका कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन है और आपने बी ए ई एड किया या बी एस सी ई एड किया है 50% के साथ तो आप इसे भर सकते हो। उम्मीद आप समझ गए होंगे इस बात को, है ना, बहुत छोटी सी बात थी, है ना, चलिए ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। तो इतना था आपका पीजीटी के, फिर याद रहेगा मास्टर्स डिग्री वाले भी भर सकते हैं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जिन्होंने किया है आरआईई से वो भी भर सकते हैं, 50% डिग्री होनी चाहिए, 50% तो हर जगह मांगी गई है। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास 50% के साथ और बी ए ई एड और बी एस सी ई एड है तो भी आप इसे भर सकते हो। देरों की बात दोस्तों, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ देख लो आपकी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किस में हुआ होना चाहिए, तो हिंदी के लिए तो बनी बात हिंदी संस्कृत में, मैथ्स के लिए तो मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स चल जाएगी, फिजिक्स तो फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स भी चल जाएगी, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री भी चल जाएगी, बायोलॉजी के लिए इतने सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैंने हाईलाइट किए हैं, बायो साइंस जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मॉलिकुलर स्टडी और ये सब, ठीक है, आप समझ गए होंगे बात में। अब यहाँ पर देखो ये तो हो गया इसका ए पार्ट, है ना, कि या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो, ठीक है, एक बात। अब इसमें सेकंड पॉइंट इन्होंने लिखा भैया बीएड तो चाहिए, या तो बीएड हो। अब देखो बीएड हो गया तो अच्छी बात है, इक्विवेलेंट या तो इसके इक्विवेलेंट डिग्री कहीं से हो तो भी चल जाएगा, मतलब बीएड हो तो भी चल जाएगा और इसके इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री मानी जाती तो भी चल जाएगी। और अगर ये भी नहीं है तो फिर आपके पास, अगर आपके पास बीएससी ईएड है या बीए ईएड है या एमएससी ईएड, इनको ध्यान से देख लो, अगर आपने इनको किया है ना तो आपको बीएड दिखाने की जरूरत नहीं है, बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स विद बीएससी एड और बीए एड और एमएससी एड, ये बात क्लियर होगी आपके, बहुत बढ़िया, ठीक है। दो बात आपको ध्यान रखनी है, अगर बीएड किया तो चल जाएगा और अगर नहीं किया है बीएससी बीए ये सब किया है अगर तो आपको बीएड दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका अपने सब्जेक्ट में ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर, तो इनने बोला कि अगर किसी ने एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया है तो भी भर सकता है और अगर एमसीए किया है तो भी भर सकता है, लेकिन 50% डिग्री चाहिए, ठीक है। और यहाँ देखो बी बीटेक वालों का भी बोलबाला है भैया, बी बीटेक वाले भी भर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से अगर किया है और आईटी से किया है तो, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अगर किसी के पास बी लेवल फ्रॉम
DOECC से मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से, तो भी भर सकता है, या सी लेवल मिला है सर्टिफिकेट तो भी भर सकता है। ठीक है, ये एक बात होगी पूरी, ये याद क्लियर हो गया आपको। मतलब सबसे आसान यही है, बी बीटेक वाले अगर कंप्यूटर साइंस आईटी से हैं, ये एमसीए वाले, एमसी वाले, एमएससी वाले, कंप्यूटर साइंस वाले, इनके लिए भैया कंप्यूटर साइंस में बहुत अपॉर्चुनिटी आ गई। देखो बीएड से बच गया आप, है ना, बीएड से बच गया, बी बीटेक किया तो ही फायदा मिल जाएगा आपको। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे देखो टीजीटी की बात, अभी पीजीटी हो रही थी, अभी टीजीटी की बात हो रही है। अब वही अलग अलग सब्जेक्ट है इनके, तो आपने 3 साल का अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है 50% डिग्री के साथ, है ना, अपने सब्जेक्ट में, है ना, जो भी सब्जेक्ट है उसमें किया है, तो आप भर सकते हो। अगर ये नहीं है तो अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड, ये देखो ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, बी ए ई एड और बी एस सी ई एड, है ना, अगर आपने रीजनल इंस्टीट्यूट से किया हुआ है इस चीज़ को, दोनों में से कोई भी, अब मालूम है जब ये होता तो आपको बी एड दिखाना नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टीजीटी के लिए कोई बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 3 साल की बैचलर्स डिग्री, लेकिन वो कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे मान लो कि आपने बी एस सी की, अब आप मैथ्स से बी एस सी कर सकते हो, आप बी एस सी फिजिक्स से कर सकते हो, आप बी एस सी जो है अपने केमिस्ट्री से कर सकते हो, तो आपने केमिस्ट्री या कुछ भी इससे जिससे भी किया है मैक्सिमम जो आपके उसमें, तो आप भर सकते हो उसको। या फिर आपने बी ए ई एड या 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया तो आप भर सकते हैं इसको। ठीक है, 50% डिग्री के साथ। और देखो टीजीटी वही आपने होना चाहिए। अब जैसे देखो टीजीटी इंग्लिश भरने के लिए बोला है कि आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया है तो उसमें इंग्लिश पूरे 3 साल आपने पढ़ी हो। अगर आपको सोशल साइंस पढ़ना है तो आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स या इनमें से कोई भी दो, है ना, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इनमें से कोई भी दो जितने मैंने यहाँ पे किए हैं, आपने पूरे 3 साल अपने पढ़े। ठीक है, हिंदी संस्कृत आपने पूरे 3 साल आपने पढ़ाई की है, जो भी ग्रेजुएशन आपने किया है। अब टीजीटी मैथमेटिक्स या फिजिक्स है तो आपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है एज अ सब्जेक्ट पढ़ाओ अपने ग्रेजुएशन में। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड एनी वन ऑफ बॉटनी और जूलॉजी एज अ सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाओ, मराठी आपने पढ़ाओ, समझ गए, तब आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब पूरे ग्रेजुएशन में आपने अगर इसे पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा इन्हें लिखा है भैया बीएड है, और अगर बीएड नहीं तो मालूम ना बीएससी, एबीएड और एमएसएड हो तो आपको बीएड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बढ़िया। अब देखना ध्यान से, यहाँ पहली बार आप देख रहे हो टीजीटी में आपसे बोला गया क्वालिफाइंग इन पेपर टू, यानी सीटीईटी का जो पेपर टू है वो आपने क्वालिफाई किया हो, कंडक्टेड बाय द सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड, समझ गया। तो जिसको भी टीजीटी भरना है उसने सीटीईटी का पेपर टू निकाला हो, बस निकाला हो, बात खत्म हो जाती है। चलो आप जैसे पीजीटी में कंप्यूटर साइंस अलग किया था, यहां भी कर दिया, तो यहां पर भी बी बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये वाले भर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, और बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, ये सब भी इसको भर सकते हैं कंप्यूटर साइंस वाली बात को। ठीक है, और ये ए लेवल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट देती है, भर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर पीजीटी में कंप्यूटर साइंस से बड़ा बी बीटेक वालों को फायदा था और टीजीटी में भी फायदा है। तो दोस्तों अगर आपके पास है तो भाई मैं तो कहता हूँ बिल्कुल, मतलब समझ रहे हो, सिर्फ डिग्री मांगी गई, कुछ तो मांगा नहीं गया है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में ऐसा हुआ है, देखो ये भी टीजीटी है, बस इनने क्या किया है टीजीटी में यहाँ पर ना, इनके लिए मस्ट है कि यही सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाओ। सोशल साइंस में मस्ट है कि यही पढ़ाओ 3 साल, यही पढ़ाओ, यही पढ़ाओ, यही पढ़ाओ, ये वाली बात है। लेकिन कंप्यूटर साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। अब बोलेंगे क्यों, टीजीटी कंप्यूटर साइंस मांगी किस तरह आपकी, पूरी कंप्यूटर साइंस मांग रहा है, तो उसमें बोलने की क्या जरूरत है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है भैया। आप लाइब्रेरी ने तो लाइब्रेरी साइंस अगर आपने किया तो अच्छी बात है, नहीं अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री 1 साल का भी है लाइब्रेरी साइंस का तो भी आप इसे भर सकते हो, बस इतना ही है इसमें, 50% होना चाहिए। अब देखो अभी टीजीटी पीईटी यानी कि जानते हो ना क्या, फिजिकल एजुकेशनल टेस्ट है मेल फीमेल दोनों के लिए, तो 3 साल का अपने बीपैड नहीं होता, फिजिकल एजुकेशन जो पढ़ते हैं देखो बीपैड होता है ना, और एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन है ना आपने किया हो इसको, 1 साल का तो होना ही चाहिए 50% के साथ, और 3 साल की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में तो भी चल जाएगा, और अगर आपके पास बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन है एटलीस्ट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन तो भी चल जाएगा, भर सकते हो आप, समझ गए ना। और टीजीटी आर्ट के लिए देख लो यहाँ पर, टीजीटी आर्ट, ये आर्ट के लिए, तो आपके पास अगर बैचलर बीए आपने किया है, फाइन आर्ट से किया है या विजुअल आर्ट से किया है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, स्कल्पचर से कुछ भी किया है ना, मिनिमम 4 ईयर का ड्यूरेशन होना चाहिए तो आप इसे भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी टीचर की बात करते हैं, यानी कि ये हो गया आपके पीआरटी, है ना, क्वालिफिकेशन क्या होती है प्राइमरी टीचर की, भाई आप 12वीं पास होने चाहिए 50% के साथ, नंबर वन। दूसरी बात कि आपने 2 साल का डिप्लोमा, ये होता है ना डीएलएड, आपने 2 साल का ये डीएलएड करा हो, अगर ये नहीं किया तो आपने 4 साल का बीएलएड किया हो। ठीक है, और अगर ये भी नहीं तो 2 साल का आपने डीएड किया हो, तो समझ गए, तो या तो 2 साल का डीएलएड हो तो चल जाएगा, 4 साल का बीएलएड है तो चल जाएगा, या 2 साल का डीएलएड डीएड है तो चल जाएगा, यहाँ पे ये सब बराबर हो गए। मतलब 12वीं के साथ 50% के आपका ये भी होना चाहिए। ठीक, अब मान लो कि आपके पास ना डीएलएड है, ना डीएड है, ना बीएलएड है, तो अब आप क्या करोगे, अब आपके पास हो सकता है ग्रेजुएशन किया हो आपने किसी भी सब्जेक्ट में, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट से आपने किया है और साथ में आपने बीएड कर दिया। ठीक है, तो आप इसको भर सकते हो। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया, जैसे मान लो बीएससी वगैरह कर दिया और आपने बाद में बीएड कर दिया,
ठीक है, तो आप भर सकते हो प्राइमरी टीचर के लिए, प्राइमरी टीचर की इतनी एलिजिबिलिटी होती है। समझ गए होगे आप सभी के सभी, चलो बहुत बढ़िया। सर बी पॉइंट क्या है, ये तो हम समझ गए कि इतना इतना चाहिए था। अब देखो इनने साफ साफ बोला है कि आपने CTET का पेपर वन जो है उसको आपने क्वालिफाई किया, समझ गए, तब आप भर पाएंगे, ये बात क्लियर हो गई है। तो विद बीएड एंड क्वालिफाइड इन सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर टू शैल ऑल्सो भी एलिजिबल। और अगर मान लो पेपर वन के बाद अगर किसी ने पेपर टू भी निकाला, मान लो किसी के पास बीएड हो और पेपर टू निकाला, तो भी भर सकता है, समझ गए ना, और बीएड हो पेपर वन निकाला तो भी भर सकता है, समझ गए। तो हर हाल में यहाँ तो सब दोनों चल जाएंगे। म्यूजिक की बात करें दोस्तों, वही डिग्री म्यूजिक की होनी चाहिए आपके पास, है ना, और 50% के साथ, और 12वीं करके बैठे हो आप, है ना, और डिप्लोमा आपने किया हो, या तो फिर भाई कहने का मतलब ये कि अगर बैचलर डिग्री है म्यूजिक की तो चल जाएगा, और अगर 12वीं है और डिप्लोमा लिया हुआ है 2 साल का म्यूजिक तो भी चल जाएगा, ठीक है, तो ये होना चाहिए। और प्रिपरेटरी टीचर होते हैं ये, और इनका भी 12वीं मांगा गया है, और इंग्लिश आपने एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो 12वीं पर, बस इतनी सी बात होती है। और दूसरी चीज़ मांगी है इन्होंने कि आपने या तो नर्सरी टीचर एजुकेशन में डिप्लोमा लिया हो, या प्री स्कूल एजुकेशन में डिप्लोमा लिया हो, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशनल प्रोग्राम में लिया हो, यानी कि DECED, लेकिन 2 साल से कम का ही नहीं होना चाहिए, या फिर आपकी बीएड नर्सरी से हो तो भी आप भर सकते हैं, नर्सरी से भी बीएड होती है तो भी आप इसे भर सकते हैं, समझ गए दोस्तों। तो पूरी एलिजिबिलिटी मैंने बता दी। अब देखिए जितनी मैंने एलिजिबिलिटी बताई है, आपके आपने चाहे पीजी किया हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, जितना भी आपने कुछ भी किया ना दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके सेमेस्टर और आपकी डिग्री इन सब की फोटोकॉपी करवा के रखना है अलग से, ठीक है, और इनको स्कैन भी करवाना है, ठीक है। लगे तो आप चले जाओ एमपी ऑनलाइन, अपने ऑनलाइन चले जाओ दुकान पे, वहाँ चले जाओ सारे डॉक्यूमेंट लेकर के, सारे सेमेस्टर के अपने 10th 12th अपने जो भी सर्टिफिकेट ले सब लेकर के पहुंच जाओ, सब आपको अपलोड करने पड़ेंगे, सब आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ये मैं पहले से बता देता हूँ आपको, क्लियर होगी बात। आपका फोटो वोटो सब अपलोड होगा, क्लियर होगा, सारे सारे डॉक्यूमेंट, आपके आपके कास्ट सर्टिफिकेट, आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो NOC लगेगा, सब लगेगा, सब एक एक चीज, समझ गए। और ये सारी चीजें आपको स्किल टेस्ट के समय लेके भी जानी, ओरिजिनल भी लेके जाना है, फोटोकॉपी भी लेके जाना है, बात क्लियर हो गई, चलो बहुत बढ़िया। सर एज की बात कर लेते हैं, देखो PGT के लिए भाई बनी बात है 40 साल मैक्सिमम है, TGT के लिए 35 साल मैक्सिमम है, PRT म्यूजिक प्रेपरेटरी इन सब के लिए 30 साल मैक्सिमम है, बाकी SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, OBC को 3 साल की मिलती है, महिलाओं को 10 साल की छूट दी गई है इसमें, और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो 5 साल की छूट मिली है, अगर SC ST से कोई अपंग व्यक्ति तो 15 साल की, अगर जनरल से अपंग व्यक्ति 10 साल की, अगर OBC से अपंग व्यक्ति तो 13 साल की, और एक्स सर्विसमैन और कमीशन जो ऑफिसर्स होते हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है। तो ये छूट की बात थी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ट्रैवलिंग अलाउंस जो है SC ST को मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब वो किसी नौकरी में नहीं है सरकारी, ठीक है, और वो आउट स्टेशन मतलब दूर रहते हैं, जो सेंटर मिला उससे दूर रहते हैं, ये कब के लिए भैया है ना, तो ये उनको मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना, टू एंड फ्रो दोनों, लेकिन इसके लिए भी प्रूफ उन्हें देना पड़ेगा, है ना, ट्रैवलिंग अलाउंस से जो मिलता है, चलो ठीक है, और NOC देना पड़ेगा अगर आप वर्किंग हैं कहीं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और इन्हें साफ साफ बोला है कि एक मोर देन है ना कैंडिडेट में अप्लाई फॉर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने PGT बायोलॉजी में की है, ध्यान सुन लो, PGT बायोलॉजी में की है, तो ये नहीं कि आप PGT मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग पोस्ट मतलब जैसे PGT के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, TGT के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इसे कहते हैं अलग अलग पोस्ट, लेकिन इनके लिए क्या होगा, अलग से फीस जमा होगी, इसकी अलग फीस होगी, इसकी अलग फीस होगी, और अगर जनरल वाले 750 इसकी भी देनी पड़ेगी, 750 इसकी भी देनी पड़ेगी, अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, सब अलग अलग होगा, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, चलो। और देखो आपको क्या है कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा जब आपको स्किल टेस्ट के लिए जाना है, जब आप रिटर्न निकालोगे ना तो स्किल टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, मैं देखो ये मैंने सब कुछ अंडरलाइन किया हुआ, स्किल टेस्ट में जाने से पहले आपको PVC यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपने लोकल पुलिस स्टेशन से है ना सर्टिफिकेट मिलेगा उसको लेकर के आना है जब आप देने आओगे उस चीज़ को, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट ये सब रखना अपने पास है ना, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सब सब मतलब सेल्फ अटेस्टेड सबको लेना, जैसे ओरिजिनल जितने भी है ना इनकी फोटोकॉपी करके आपको इन पे साइन कर देना, तो ये सेल्फ अटेस्टेड माने जाते हैं, और आपको स्कैन भी करना है, स्कैन करके इसमें अपलोड भी करना है फॉर्म पे, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और भाई जितने भी फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए भैया स्क्राइब की सुविधा उनको दी गई है, तो वो स्क्राइब ला सकते हैं अपने, लेकिन स्क्राइब जो है स्टूडेंट वो नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट नहीं होना चाहिए जो पेपर देने आया हो, ठीक है, दूसरा कुछ होना चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी आपसे कम होनी चाहिए पढ़ाई के मामले में, और अपने से वो आंसर ना करे, और इसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग साइन करनी पड़ेगी दोनों को, ठीक है, और अब आपका जो स्क्राइब है उसको भी अपनी फोटो आईडी वगैरह सब लेकर के आनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं धीरे से, है ना, अब यहाँ पर, और ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहीं पे, कांटेक्ट कर लो, कोई भी दिक्कत आए ये नंबर लेगा 9674 52, तुरंत कॉल उठाएंगे, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, आप सब पूछ सकते हो। और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने मांगे गए हैं, देखो अगर जहाँ पर भी CTET पेपर वन और पेपर टू मांगा गया है,
है ना, समझ जाओ कि सीटीईटी में 60% नंबर चाहिए है ना, और एससीएसटी ये किसके लिए है, 60% अनरिजर्व के लिए, 55% किसके लिए, एससीएसटी ओबीसी और पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, कोई और दूसरा तरीका नहीं दिया गया है। स्कैन कॉपी कर लो, अपनी सारी डॉक्यूमेंट शैल बी अपलोडेड है टाइम, जब आप एप्लीकेशन भर रहे तभी अपलोड होगी ये सारी चीज़ें। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप देख सकते हो, जेपीजी फॉर्मेट आपकी, कलर्स फोटोग्राफ होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ रिजर्वेशन, ये सब निकाल के रख लेना जितने मैंने किए अभी, 10th 12th की मार्कशीट, सेमेस्टर वाइज आपकी ग्रेजुएशन की है ना, प्रोविजनल डिग्री, डिग्री का अपलोड होगा, सेमेस्टर हर चीज़ अपलोड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है समझिए। और ऐसी पीजीटी के लिए भी है, कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर के, तो आपके अपनी अपनी चीज़ें हैं, वही वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, बार बार लिखी हैं, चिंता मत करो। और आपको मालूम है कि टीजीटी और इसमें टीजीटी वगैरह में सीटीईटी मांगा था, तो उसका आपके पास एक स्कोर कार्ड होगा ना, ई नेट से हो तो उसको डाउनलोड कर लो, फिर अपलोड कर दो, तो स्कैन करवा लो सब कुछ, और आप खुद मत करो, मैं तो कहता हूँ बाहर से जाके किसी भरवा लो, इसमें दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, अब आ जाते सीधे, देखो ये तो खैर मालूम है आपको कि फीस वगैरह है ना, और देखो जो सर्टिफिक जो हैंडीकैप लोग हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी लेकर के जाना है जब वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाएंगे। अच्छा, स्किल टेस्ट आपका जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई में होगा। ठीक है, बाकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए सेंटर्स दिए हैं इन्होंने, लेकिन स्किल टेस्ट आपका सिर्फ मुंबई में होगा अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लिया ना, वही 60% 50% जो मैंने बताया था नंबर अगर आप ले आते हो तब की बात है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी लेके जाना है और फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाना है। ठीक है, ओरिजिनल में भी लेके जाना है, फोटो भी लेकर के जाना है ना, और फोटो आईडी प्रूफ ऑफ स्क्राइब भी लगेगा, तो अगर स्क्राइब है तो। और ये देखो ये आपका, तो ये ओरिजिनल में भी जाएगा, और आपका ये देखो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ, ये देखो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मांगी ना, ये आपको सीबीटी के दौरान लेके भी जाना है बच्चों, दिमाग ध्यान से सुनना है ना। और दो कॉपी आपका जाएगा एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किए ना, उसकी दो कॉपी निकाल लेना प्रिंटेड, आपका उसमें साइन होना चाहिए कैंडिडेट का, वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एक लेकर के जाओगे, क्यों, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के जाना है क्योंकि एक वहां पे चिपकाना पड़ेगा, तो आप तो तीन लेके चले आना, आपके काम पड़ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, एडिशनल रखे रहना फोटोग्राफी, तो मैंने कहा ना आपसे, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी लेकर के चले जाना वहां पर है ना, और बस इतनी सी बात थी। ठीक है, और बाकी सबके लिए डॉक्यूमेंट्स यही हैं जो मैंने बताया था, पीजीटी के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, जो है ना जितना है वही वही है यहाँ पे, बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने बता दिया, एक सीबीटी रिटन टेस्ट, एक स्किल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो आपको ये पेपर कैसे देना वो बताया, तो पीजीटी के लिए जैसा कि मैंने कहा 100 क्वेश्चन आएंगे है ना, इसमें जनरल नॉलेज होगी, रीजनिंग होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा है ना, जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इंग्लिश नहीं है, तो इंग्लिश नहीं है। ठीक है, टीचिंग मेथडोलॉजी है ना, तो और सब्जेक्ट आपका जो भी, जैसे अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश आ जाएगी, मैथ्स है तो मैथ्स आ जाएगी, फिजिक्स है तो फिजिक्स आ जाएगी, बायो है तो बायो आ जाएगी, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री आ जाएगी, तो सब्जेक्ट से इन इस हिसाब से क्वेश्चन रहेंगे। बाकी सबके लिए कॉमन दिख रहा होगा, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और फिर एक टीचिंग मेथडोलॉजी है ना, इसके सब्जेक्ट उनका खुद का, यही सब में है। ठीक है, और पीआरटी प्रिपरेटरी में आपको दिख रहा है एनसीईआरटी सिलेबस आता है, इसमें 12th के भी क्वेश्चन आते हैं 12th लेवल के, बाकी वही है जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथडोलॉजी, तो सब कुछ वही है। 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, 2.5 घंटे का पेपर है, नो नेगेटिव, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अब यहाँ देख लो कि EWS, अच्छा यहाँ पे क्लियर मिल जाएगा आपको। अच्छा, OBC के लिए मैंने इसमें बोल दिया था, वो गलत बोला। अब देखो जनरल कैटेगरी और EWS के लिए जो 60% स्कोर करेंगे किसमें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तो उनको स्किल टेस्ट के लिए बुला लेंगे, और SC ST OBC PWD वाले ये जब 54% स्कोर करेंगे तब इनको बुला लिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये पास माना जाएगा कि आपने क्वालिफाई कर लिया। और स्किल टेस्ट जो होगा सर, जो कि गो और नो गो बेस पर है, यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी और कमेटी के सामने आपको चौक और बोर्ड लेकर के अपनी समझाना पड़ेगा, कोई भी टॉपिक आपको दे देंगे आपके ही सब्जेक्ट से आपने पढ़ा है तो उसमें आपको समझा करके उनके संतुष्ट करना पड़ेगा, सही हुआ तो गो मिलेगा, गो मिला तो आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का से कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, नंबर आपके सिर्फ सीबीटी के लगेंगे। ठीक है, और जब दो लोग के एक जैसे नंबर होंगे तो ये देख, जब दो लोग के एक जैसे ही हो जाएंगे तो उनका कौन सीनियर है एज में वो देखेंगे, और अगर दोनों ही एज ही बराबर हो गई तो फिर ये देखेंगे किसका अल्फाबेट पहले आता है, ABCD के हिसाब से भी हो जाएगा। समझ गया, और ये बाकी ऑनलाइन की लास्ट डेट और ये सब मैंने बताया। ये है दोस्तों वो 10-12 सेंटर जहाँ पर पेपर होने हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में यही एक है इंदौर, बाकी इलाहाबाद में प्रयागराज, हैदराबाद, बेंगलुरु आप देख सकते हैं बाकी है ना। और स्किल टेस्ट जो है मैंने बता दिया आपको सिर्फ मुंबई में ही होगा है ना। चलो, और ये देखो ये रिजेक्शन का एक मामला ये होता भैया कि अगर आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट स्किल टेस्ट के टाइम पे नहीं प्रोड्यूस किया ना तो भाई रिजेक्ट हो जाएंगे, तो इसका ध्यान रखना है आपको। और यहीं भी ये फॉर्म खत्म होता है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना, मैं
इस तरह की वीडियो लाऊंगा। और देखो यहाँ पे सिर्फ नोटिफिकेशन में बताता नहीं, पूरा डिटेल में बताता हूँ, है ना। और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ, ठीक है। और बस इतना ही है दोस्तों, बस मदद करिए एक दूसरे की, भरे बेचारे फॉर्म तो 205 है, अभी और भी नोटिफिकेशन है, सबको मैं समझाने वाला हूँ, तो बने रहो इसमें, आपके कोई ना कोई काम का होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए।